अस्सलाम वालेकुम गाइस, सिक्स सिस्टर रेसिपी में आपका स्वागत। मैं जीनत आज आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी, एक स्टफ़ कीमा पेटी और मुतकबल यानी बैदा रोटी। तो उसके लिए सबसे पहला खीमा मैंने पहले से रेडी कर चुकी। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट कांदा और थोड़ा तेल डाल के नमक डाल के इसको अच्छे से प्रेशर कुकर करके इतना ड्राई करना है उसको। ये फ्राइंग के लिए अंडा, एक अंडा और नमक डाल के फेंट के रखना है। और मैश आलू में नमक डाल के बॉईल करके अच्छे से मैश करके इसमें चाट मसाला डाल के रखना है। कोथमीर, हरी मिर्च, कांदा और कॉर्नफ्लावर ये कोटिंग के लिए। पहला खीमा लेके उसमें कांदा, हरी मिर्च, कोथमीर, नमक ये सब चीज़ें अच्छे से मिला के ये स्टफ खीमा जो हमने रेडी किए है उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके उसके बाद में हथेली में थोड़ा तेल लगा के जो मैश किया हुआ आलू है उसको हम हथेली में रख के पेटी का शेप देंगे। आलू को चपटा करके इसके अंदर खीमा स्टफ करना। खीमा के अंदर और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसा चीज़ हो या बॉयल अंडा आप छोटे छोटे काट के ये भी डाल सकते हैं, और कुछ भी डाल सकते हैं। चिकन का खीमा भी बना सकते हैं, मटन का भी, मैंने मटन का ली हूँ अभी। इसको अच्छे चारों बाजू से अच्छे से कॉर्नफ्लावर में कोटिंग करके पेटी का शेप देना है उसको। उसके बाद में सब पेटी इसी तरीके से आपको रेडी करके रखना है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो अच्छा है, पहले जल्दी बना के फ्रिज में रख देंगे तो आलू रहता है ना थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहता है। फिर उसको अंडे में डीप करके डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई, शैलो फ्राई जो भी कर सकते हैं आप, तो मैंने डीप फ्राई की हूँ। तो बहुत सारा एक साथ नहीं डालना है, दो या तीन इतना ही डालना है। और एक टिप है आलू के, आलू जब हम बॉईल करते हैं थोड़ा जल्दी बॉईल करके उसको ठंडा करके फिर मैश करना। अगर गरम गरम में आलू मैश करते हैं ना तो वो पिचपिचा बन जाता है, अगर थोड़ा ठंडा करके करते हैं तो वो अच्छा सूखा बनता है, तो पेटी हमारी अच्छी बनती है। और ये पेटी देखो इतना गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं अच्छा लगता, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए। ये देखिए अच्छा टेस्ट रहता है ये खाने में। स्टफिंग अगर आपको तिक्का बनाना है तो अंदर कांदा भून के भी मसाले में डाल सकते हैं, मैंने कच्चा डाली हूँ। ये देखो हमारी पेटी रेडी हो गई है, इतना कलर आना चाहिए। आप इसको ग्रीन चटनी या सॉस के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम मुतकबल बनाएंगे। मुतकबल में खीमा, कांदा, हरी मिर्च, खाला स्पेशल मसाला मैंने पहला रेसिपी में दी हूँ, अंडा, नमक ये सब डाल के अच्छे से फेंट लेना है। और मैदे का आटा पहले ही रेडी कर देना है, नमक और पानी से कलाना है इसमें, और कुछ नहीं डालना है। जैसे हम रोटी के लिए बनाते वैसे ये चौकोन रोटी बना के मैदे का, उसके बीच में हमको पूरा खीमा और अंडा जो भी हमने भी फेंटे थे ना उसको अच्छी तरीके से डाल के जब फैला के चारों बाजू से जिस तरीके से मैं फोल्ड करी वैसा फोल्ड कर दो, और सब बाजू से अच्छे से उसको सील करके तवे पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के एकदम धीमी आंच में इसको पकाना है, एकदम स्लो में पकाना है उसको अच्छे से। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए और स्लो में पकेगा तो पकते पकते फूक जाता है ये। ये देखिए मेरा मुतकबल रेडी है, ये देखो इतना फूक भी जाता है ये पकते पकते। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। थैंक यू।